ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग, मतलब आज की राइड ही बहुत जल्दी स्टार्ट हुई है। बता दूं तो मैं 5:45 को ही निकल गया था घर से, और आज का ब्लॉग क्या होने वाला आप लोगों को थंबनेल से देख अंदाजा आ गया होगा, क्योंकि आज मैं जा रहे XBHP मीटअप में, और पूरे TVS AOG मुंबई जो अपाचियंस का ग्रुप है पूरे आज हम लोग साथ में जाने वाले हैं। तो आज के ब्लॉग में तो भाई साहब जो मज़ा आएगा ना, क्योंकि सब अपाचियंस होंगे साथ में। तो अभी का अपडेट दे दूँ तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ नेरुल, क्योंकि वहाँ पर एक दोस्त रुका है मेरा, तो मैं उसको वहाँ से ज्वाइन करने वाला हूँ, फिर उसके आगे हम लोग पूरा राइड कंटिन्यू करेंगे। और ये मॉर्निंग राइड बोलते ना, अर्ली मॉर्निंग राइड जो होती है ना यार, बहुत सही लगता है एकदम। क्लाइमेट ठंडा, कुछ सेवट नहीं, कुछ नहीं, एकदम आराम से ठंडे क्लाइमेट में राइड करने को बोलते ना, फुल पीस। बस ये सुबह सुबह में ये बड़े गाड़ियाँ कैसे आ रही है क्या मालूम, ऑब्वियसली ये होते ही है सुबह सुबह में। तो अभी मैं सीधा उसको मिल के आप लोग को आगे का अपडेट देता हूँ, फटाफट मिल देता हूँ उससे। जिसको नेरुल में मिलने वाला था वो भी मिल चुका है। अभी इधर से हम लोग दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी इधर से हम जाने वाले पहले तो आर्य कॉलोनी, उधर हमारा मीटअप पॉइंट है, फिर उसके बाद उधर से पूरा जी हमारा सब कंबाइन होगा, फिर उधर से हमारा लाइनअप हो गया, फिर हम आगे के राइड पे जाने वाले। ऑलराइट, तो अभी हम लोग हैं आगे साकी नाका में, और आर्य कॉलोनी पहुँचने में अभी यहाँ से बस 5 से 10 मिनट लगेगा हार्डली। हमको शायद और जल्दी निकलना चाहिए था, हम लोग को है ना ऐसा ट्रैफिक मिल रहा है ना बीच बीच में का लिटरली। और भाई मैं बता देता हूँ, अभी हम 2 से 3 हो गए, जिशान भाई ने भी ज्वाइन कर लिया था, कुरला से ही ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। तो अभी 5 से 10 मिनट हार्डली लगेंगे हम लोग को पहुँचने के लिए। ओ भाई साहब, अभी लग रहा है थोड़ा। खुश हो गया यार इधर आके, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई मुंबई जैसी जगह में ऐसा होगा, क्योंकि मैं मुंबई ज़्यादा आता नहीं हूँ स्पेशली बाइक पे, तो कभी नहीं। ये आई गेस जब मैं कुर्ला आया था तब मैं फर्स्ट टाइम इस पे आया था, आज ये सेकंड टाइम आ रहा हूँ शायद मैं। बट वर्थ है यार, गेस हम लोग आ गए हैं ऐसा लग रहा तो है। ओके, राइड जस्ट स्टार्ट हुई थी। क्या टाइमिंग है यार, जस्ट राइड चालू हुई थी जस्ट। जरा बाहर आ गए बस, उधर ठंडी हवा थी मगर एग्जॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, अभी थोड़ा ओपन ओपन लग रहा है यार। और क्या लाइनअप है यार, लिटरली मतलब तुम लोग सोच नहीं पाओगे इतना बड़ा लाइनअप है। आराम से ये गाड़ी है ना 100 के आसपास तो होगी होगी। क्या सही पब्लिक रिएक्शन मिल रहा है यार, पब्लिक भी फुल शॉक में देख रही आ रही, इतनी बड़ी राइड किधर निकली है। देखो ना यार तुम लोगों को, शायद ये लोगों आगे देखो क्या क्राउड है, बोले ना पूरा अपाचियन से हम लोग का रोड भर गया है आज। और भी 2-3 ग्रुप शायद ऐड है आगे। फोटोग्राफर्स भी अवेलेबल है जो हमारे फोटो क्लिक कर रहे हैं राइडिंग मोमेंट्स के लिए, GoPro से भी शॉट्स लिए जा रहे हैं। वाह यार सही है, और क्या बेहतरीन व्यू है यार। क्या ही बेहतरीन व्यू, और आगे लाइनअप देखो, कमाल का लाइनअप चला है यार। ऐसा कहाँ गए हम, ऑसम यार, ये एरिया मैंने कभी मुंबई का नहीं देखा था।
ज़्यादा ही सही, और एकदम बोले ना फुल ऐसा लग रहा मैं बाहर आ गया हूँ, बाहर मतलब घर के बाहर नहीं बाहर मतलब इंडिया के बाहर फुल यार, मतलब देखो ना सही है। ओके from the XBHP score team who is always busy making stories or something. Putting on XBHP. Yes, putting on XBHP. So, today we are here for a very simple reason. Chhota sa ek excuse dhunda tha. Wo excuse tha aap logon se milne ka, sabke saath ride karne ka. Okay, but nahi bike launch hone wali hai. Meetup to hote rehte hain. Meetup ka karan jo hai, wo hai biking karna, wo hai ride karna. Bikers se, biking club se milna. The history of winning rally championships in Dakar, KTM is also burning tarmac in the road racing too. With four Moto 3 World Championships already under their belt, KTM has yet again emerged as champion, with Remy Gardner clinching the 2021 Moto 2 World Championship at the season finale in Spain. ऑलराइट सो गाइस, हमें इधर मिले हैं सोल्स ऑन अ व्हील, आप लोगों को उनको पता भी होगा। तो सर आपका एक टैगलाइन आयुष्य खूब सुंदर है, आयुष्य खूब सुंदर है, वक्त राइड करा ले। तो हम लोग सब मिले थे XBHP पे और इवेंट बहुत अच्छा चल रहा है। ऑलराइट तो बैठो दादा, पर अपन यस यस जनरली सुंदर ही टूरिंग, और टूरिंग करने के लिए एक और काम हम लोग करते हैं जो कि बहुत ज्यादा करते हैं। ऑल राइट सो पूरा इवेंट अटेंड करके हो गया, बहुत अच्छा इवेंट हुआ, मतलब मज़ा आई नए लोगों से मिलके, नए दोस्त बना के, अच्छे खासा नए नए क्लब से भी मिला। तो ऑल ओवर पूरा इवेंट सही था, और जैसे कि आप लोगों ने देखा क्या दो बड़े बड़े यूट्यूबर से मिला, यूट्यूबर्स बोले भाई लोग से मिला, ऐसा लगा एक अथर्व से मिला। अथर्व के साथ भी हम लोग ने पहले सुपर बाइक्स के ग्रुप में जब थे तब हम लोग मतलब हो अभी भी, मगर जब मैं सुपर बाइक्स के साथ जाता हूँ तब हम लोग पहले भी मिल चुके हैं अथर्व के साथ, मगर सोल्स और मगर स्टोरी ऑन व्हील्स उनके साथ मैं आज मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेंडली लगा। मतलब कुछ टिप्स लिए उनसे मैंने कि मेरे को भी अभी कुछ लॉन्ग राइड मैं भी प्लान कर रहा हूँ, तो लॉन्ग राइड से रिलेटेड कुछ टिप्स लिए उनके साथ, कुछ बातें की, थोड़ा बोले ना थोड़ा एक ब्रदरहुड बढ़ाया अपना। और फिर पूरा इवेंट होने के बाद अभी मैं निकल गया हूँ, वैसे अभी मेरे को पता नहीं मुझे यहाँ से कितना समय लगने वाला जाने के लिए, मगर गूगल मैप के अकॉर्डिंग 1.25 घंटा लग रहा था, अभी 1 घंटा बाकी है। तो सो आई होप आज का ब्लॉग जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ नया। और आज का ब्लॉग का मेन टॉपिक आपको बताना भूल गया, क्योंकि जो न्यू एडवेंचर 250 है उसमें नए XBHP की तरफ से एक नया ग्राफिक्स था, कस्टमाइजेशन थे, नया एग्जॉस्ट के साथ आई है, तो वही एक लॉन्च था, तो वो भी इस ब्लॉग में कवर होगा। मैं आप फुटेज तो सब डाल दे रहा हूँ, आप लोगों ने देखा भी रहेगा, तो उसके बारे में था ये सब ब्लॉग, बट ऑल ओवर मज़ा आई। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।